पान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस तीज को स्वर्ण गौरी तीज भी कहा जाता है, मध्यस्तवा तीज भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे ठकुरानी तीज के नाम से भी जाना जाता है तथा कई लोग इसे झूला तीज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन प्रायः अधिकतम इसे हरियाली तीज के रूप में ही मनाते हैं। कुछ लोग हरकाली का तीज यानी भादो माह के शुक्ल पक्ष में जो प्रतिया आती है उसको मनाते हैं, और कुछ उभक्त जन माता या बहने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में जो तृतीया तिथि है उस दिन हरियाली तीज मनाते हैं। हरियाली तीज का जो महापर्व है इस बार 31 जुलाई 2022 रविवार के दिन है, और प्रतिया तिथि का जो आरंभ होगा वो 31 जुलाई को सुबह 3 बजे से प्रतिया तिथि आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह यानी कि 1 अगस्त 2022 सोमवार को 4:58 पर प्रतिया तिथि समाप्त हो जाएगा। तो पूरे दिन जो तृतीया रहेगा वो 31 जुलाई 2022 रविवार के दिन ही रहेगा। इसीलिए जो माताएं बहने भक्तजन इस तृतीया का व्रत करते हैं उनको 31 जुलाई 2022 रविवार के दिन ही हरियाली तीज का व्रत रखना चाहिए। सभी सौभाग्यवती माताएं बहने अपने पत्नी की लंबी आयु के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं तथा कुंवारी कन्याएं इस जन्म में अच्छी पति की प्राप्ति के लिए उत्तम वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है, और जो विधवा माता बहने होती है वो भी इस व्रत को करती है और अगले जन्म में या फिर इसी जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति के लिए और अपनी मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है। इस व्रत को माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किया था, तभी से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। यह व्रत वैसे तो निर्जला निहार किया जाता है, जिस प्रकार से हरियाली का तीज का व्रत रखा जाता है उसी प्रकार से हरियाली तीज का व्रत भी रखा जाता है, यानी कि 31 जुलाई 2022 रविवार के सूर्योदय से लेकर तो अगले दिन यानी कि 1 अगस्त 2022 सोमवार के सूर्योदय तक इस व्रत में जो है जल भी नहीं पिया जाएगा, यानी कि 24 घंटे का निर्जला निराहार निराव्रत रहेगा। अगर आप इस व्रत को फलाहार करके भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आपका शरीर शांत दे और आपके यहाँ निर्जला निहार करने की परंपरा है तो उस परंपरा का निर्वहन आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। हरियाली तीज के दिन हरे वस्त्र पहने जाते हैं, हरी साड़ियां पहनी जाती है, हरी चूड़ी पहनते हैं, हरी टीकी मस्तक पर महिलाएं लगाती हैं। इसके अलावा हरे रंग के अन्य आभूषण भी माताएं बहने इस दिन धारण करती है तथा इस दिन झूला झूलने की भी परंपरा है, इसलिए इसे झूला तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज के दिन सायंकाल प्रदोष के समय भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, और इस दिन बारू रेती के शिवलिंग माता पार्वती और गणेश जी का स्वरूप बना करके उनकी पूजा की जाती है। मंडप बना करके विधि विधान से उनका जल गंध अक्षत पुष्प पंचामृत इत्यादि वस्तुओं से पूजन करें और उसके बाद पूरी रात जागरण करें। ऐसा लिखा हुआ है कि यदि कोई माता बहने इस रात्रि में जागरण नहीं करती हैं और सो जाती हैं, तो उनको अगले जन्म में अजगर का रूप धारण करना पड़ता है। यदि कोई माता बहने इस दिन जल पी लेती हैं, तो उनको अगले जन्म में मछली का रूप धारण करना पड़ता है। तो कोई मिठाई यदि खा लेती हैं, तो उनको अगले जन्म में जो है चींटी का रूप धारण करना पड़ता है। अगर कोई दूध पी लेती हैं तो उनको अगले जन्म में जो है बिल्ली का रूप धारण करना पड़ता है। इस प्रकार से हमारे पौराणिक कथाओं में यह वर्णन किया गया है।
तो इस दिन आप व्रत रखें और बाबा भोलेनाथ का माता पार्वती का अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजन अर्चन करें, व्रत करें, उनसे अपने उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी व्रत धारण करके कामना कर सकती हैं, तथा अपनी जो सास होती हैं उनको इस दिन जो है मिठाई, फल और सौभाग्य की वस्तुएं दान में दी जाती है। अगर आपके यहाँ सास या फिर कोई ऐसी स्त्री नहीं है तो अन्य जो भी स्त्री है या ब्राह्मणी को भी आप इस प्रकार की वस्तुएं दान दे सकते हैं। हरियाली तीज के दिन पूरे दिन जो है भगवान का स्मरण करते हुए स्मृता का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग सेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी भाग इस दिन काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। पर निंदा या दूसरों की बुराई इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पति के साथ वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी भी प्राणी मात्र का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। और इस व्रत को आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करें तथा बाबा भोलेनाथ पर माता पार्वती का पूजन अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए अवश्य करें। इसके अलावा जिस प्रकार से आपसे बन सके उसी प्रकार पूरी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ आप हरियाली तीज का यानी व्रत करेंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा तथा बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।